I am Manisha and you are learning logic with me. Today we will learn how to solve the questions in exercise 7.3. So, ये questions बिल्कुल भी 7.2 से अलग नहीं है, 7.1 and 2 से. इन questions में हम जो rules of implication भी apply करेंगे और rules of replacement भी apply करेंगे. Rules of replacement, negation, double negation. Because उसके आगे के rules अभी हमने नहीं सीखे हैं. तो वील सॉल्व एक ये सेकेंड क्वेश्चन और एक और देखेंगे कौन सा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो देखते हैं. सो इसमें क्या है कि कंक्लूजन है. ठीक है, हमेशा से हम ऐसे ही करते हैं कि हम देखते हैं कंक्लूजन क्या है और उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखने में ऐसा लगता है कि एक ही प्रमाइस से कैसे करेंगे. तो कंक्लूजन में क्या है, एफ डॉट एस और नेगेशन बाहर है. जब भी हमें ये वाली फॉर्म दिख जाए तो हमें समझ जाना है कि हमें डी मॉर्गन अप्लाई करना होगा, क्योंकि डी मॉर्गन्स में ये होता है ना कि नेगेशन पी डॉट क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी व्हिच नेगेशन क्यू. तो ये वाली फॉर्म मेरे को दिख रही है कंक्लूजन में, तो इसलिए मुझे इतना समझ में आ रहा है कि डी मॉर्गन्स अप्लाई करना होगा. कैसे करना होगा, लेट्स सी. नेगेशन एस है, एफ क्वेश्चन में नहीं है, तो कैसे लेके आऊंगी. सिर्फ एक ही तरीका है जो क्वेश्चन में नहीं है उसे इंट्रोड्यूस करने का, एंड दैट इज एडिशन. एडिशन क्या होता है, पी देयरफॉर पी व्हिच क्यू. क्यू यहाँ पे नहीं था, लेकर आ गए. तो नेगेशन एस व्हिच. अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, एफ तो है, एफ लेके आना है मुझे, इसलिए मैं एफ लिखूंगी. यहाँ पे नेगेशन एफ लिखूंगी. व्हाई डिड आई डू दैट, मैंने इसलिए ऐसा करा क्योंकि मुझे डी मॉर्गन्स लगाना है. ये मेरे को कंक्लूजन से समझ में आया और उसके लिए मुझे नेगेशन पी वेज नेगेशन क्यू चाहिए होता है. तो अगर मैं यहीं पे अभी डी मॉर्गन्स लगा दूंगी तो आ जाएगा नेगेशन ऑफ एस डॉट एफ. क्या मुझे ये चाहिए, नहीं. क्या मेरे पास कोई तरीका है इसको उल्टा करने का, नहीं. तो मैं ये नहीं करूंगी. इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई विल डू कि मैं नेगेशन एफ वेज नेगेशन एस कर दूंगी. टू में कॉम्यूटेटिविटी. कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है कि पी डॉट क्यू है तो उसको क्यू डॉट पी लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा, और पी वेज क्यू है तो उसको क्यू वेज पी लिख सकते हैं. तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है. फिर अब डी मॉर्गन लगा सकते हैं एफ डॉट एस. नेगेशन ऑफ एफ डॉट एस थ्री डी मॉर्गन. सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. ओके, ओके. एक हम ये क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं क्योंकि दिस वॉज द क्वेश्चन जिसमें मैं बार बार अटक जाती थी. तो मे बी आप सबके साथ भी ऐसा कुछ हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे लगता है पर्सनली, तो इसको देख लेते हैं. इसके अलावा कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आ रहा है जिसमें आप स्टक हो गए हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल सॉल्व दोज क्वेश्चंस आल्सो. तो अब इसमें क्या है, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है कंक्लूजन में, तो आई डोंट नो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, क्या कौन से रूल को अप्लाई करूं और कैसे ऐसे करूं, आई डोंट नो. तो व्हाट विल आई डू कि मुझे इन तीनों में जो भी दिख रहा है आई विल जस्ट डू. ओके, तो क्या करेंगे अभी, मेरे को ये दिखता है मैं नेगेशन क्यू वेज नेगेशन टी कर सकती हूँ. मैंने किया थर्ड में डी मॉर्गन्स, क्योंकि डी मॉर्गन अभी हमने देखा था नेगेशन पी डॉट क्यू इक्वेलेंट होता है नेगेशन पी वेज नेगेशन क्यू के. तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ डी मॉर्गन्स. अब क्या करेंगे, वेज दिख रहा है और होर्सशू का रिलेशन दिख रहा है, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा लगा सकते हैं. नेगेशन क्यू होर्सशू सी डॉट बी डॉट नेगेशन टी होर्सशू बी डॉट एच. ये मैंने क्या करा, वन एंड टू का कंजंक्शन, कंजंक्शन कर दिया वन एंड टू का. क्या होता है कंजंक्शन, पी क्यू देयरफॉर पी डॉट क्यू. This is P for me here, this is Q for me here, and here is P dot Q. अब negation Q H T है, negation Q H T है, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी
dot b which b dot h. ये लगाया है कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव डायलेमा क्या होता है, p horseshoe q which q horseshoe r, सॉरी r horseshoe s, p horseshoe q which r horseshoe s होता है और p which r है तो therefore q which s मिलता है. तो इन दिस क्वेश्चन दिस इज फर्स्ट प्रेमाइस फॉर मी फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलेमा, p horseshoe q डॉट r horseshoe s, देन आई हैव p वेज r, ये रहा p वेज r, तो मुझे मिलेगा q वेज s, दैट इज q वेज s. ये करा है 5 और 4 कंस्ट्रक्टिव डायलेमा. अब क्या करेंगे, यहाँ पे आके थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन में क्या करा होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं क्या करना होगा. c डॉट b वेज b डॉट h है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम इसका क्या कर सकते हैं. अगर मैं इसको ऐसे कर दूं b डॉट c वेज b डॉट h, ये क्या करा मैंने 6 में कॉम्यूटेटिव रूल लगाया. हम ऐसा कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि इस पूरे में रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट में सिर्फ ये होता है, रूल्स ऑफ इम्प्लीकेशन में ऐसा नहीं कर सकते कि आधे में लगा दो, बट रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट में ऐसा कर सकते हैं कि मेन ऑपरेशन को छोड़ के सिर्फ इतने में ही मैंने कॉम्यूटेटिविटी लगाया. वी कैन डू दैट इन रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट ओनली. कर दिया. अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे ना, डिसोसिएटिविटी दिख रहा है. क्यों? क्योंकि जब भी हमें डॉट और वेज का रिलेशन मिले और कोई एक वेरिएबल कॉमन मिले तो हमें समझ जाना है कि वो डिसोसिएटिविटी है. कैसे? बी डॉट सी वेज एच, क्योंकि डिसोसिएटिविटी क्या होता है, पी डॉट क्यू वेज आर इज इक्विवेलेंट टू पी डॉट क्यू वेज पी डॉट आर. तो यही करा, b डॉट c वेज h, ये आ गया 7 में मैंने लगाया है कौन सा रूल, डिसोसिएटिविटी. एंड नाउ आई हैव b, हाउ, 8 में सिंप्लीफिकेशन. क्या होता है सिंप्लीफिकेशन, p डॉट q देयरफॉर p, ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन. आई होप इट इज क्लियर. सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग दिख जाता है तो लगता है पता नहीं कैसे होगा. सो फॉर टुडे इतना ही, एंड आई होप इट इज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग एनी ऑफ द क्वेश्चन, राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व फॉर यू. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू, बाय बाय.